वेलकम बैक टू माय चैनल। इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना आज, टुडे इज संडे और भाई बाहर 18-20 डिग्री टेम्परेचर हुआ है। लगा ही वैसे बाहर अभी लोग जैकेट हो गए भाई निकले, मतलब आज उतनी ठंड नहीं है, इज लाइक 18 or 20 डिग्री सेल्सियस। और फिलहाल अभी हम चलने वाले हैं सामी को पिकअप करने, फिर जाना है भाई गाड़ी में तेल भराने, बिकॉज तेल बिल्कुल नहीं है अभी, गाड़ी ऐसे रिजर्व मोड में चली गई है। तो चाबी कहाँ रख दी यार मैंने, मतलब भाई एकदम रिजर्व पे कांटा चलाई गया है। तो गाइस मुझे पोलैंड का एक चीज़ काफ़ी बेटर लगता है कि यहाँ का जो पेट्रोल भराने का सिस्टम है, अगर आप पेट्रोल पंप पे जा रहे हो, और काफ़ी गर्मी लग रही है भाई, तो थोड़ा जैसा हमारे इंडिया में होता है ना, एक भैया जी होते हैं उनको आप जाओगे बताओगे कितने का तेल डालना है, और उसमें कभी कभी स्कैम वगैरह भी हो जाता है भाई, मतलब कम डाल दिए या जो भी ये सब होता है ना इंडिया में। तो यहाँ पर काफ़ी सही सिस्टम है, आप यहाँ पर आप खुद से जाइए, खुद से अपने गाड़ी में तेल डालिए, फिर आपको अंदर जाके बताना पड़ता है कि आपने किस प्लेटफॉर्म नंबर से तेल भरा है, और वो कंप्यूटर में देख लेते हैं कि आपने कितने का तेल डाला है, फिर आप कार्ड से या कैश जो भी पेमेंट कर दीजिए। चलते हैं फिर तेल भराते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा एक्सपीरियंस कि कैसा एक्सपीरियंस होता है और कैसे खुद से तेल भरते हैं भाई। गाइस आसामी भरेगा तेल, कैमरा लेके आ गया यार। तो गाइस हम आ गए हैं गैस स्टेशन पे, तो गाइस राइट नाउ वी आर एट द गैस स्टेशन, और दिखाते हैं भाई कैसे तेल भरते हैं यहां पे। भरो, क्या करना है मुझे भाई, 50 रुपए का डालना है सर जी, ज्यादा का पैसा नहीं है। यहां पे आप वेट करिए गाइस, पहले 0 हो जाए, ठीक है ना, अब होगा, अब हो गया, अब इसको ओ यार इसको खोलो, डालो आराम से, डालना है 50 रुपये का डालना है, वो तो 5 रुपये का हुआ यार, 50 लौटी। हाँ तो गाइस यहाँ पे ऐसे ही तेल भरते हैं पोलैंड में, सेल्फ सर्विस, अंकल जी नहीं है यहाँ पे, ये तो फट रही थी अभी भाई, 46, 47, 48, अबे 46 पे ही है, 47, 48, 49, 50 का डाल दो यार, अब इतना डालेंगे ना, आराम से छोड़ो यार, 50 रुपये का तेल डाल दिया हम। तो यहाँ पोलैंड में ऐसे ही भरते हैं भाई तेल, अब इसको बंद करो ढक्कन को, पैसा कोई नहीं, चलो हो गया, हो गया, हाँ पैसा नहीं लेना है, पैसा नहीं भरना है भाई। तो भाई यहाँ पे ऐसे ही तेल भरते हैं पोलैंड में, अब अंदर जाके पेमेंट करनी होगी हमें, वो अंदर से देख भी रहोगे हमें क्या कर रहे हैं ये कैमरा वाला लेके। देखिए गाइस दिस इज द गैस स्टेशन, यहाँ पे 24 आवर होता है प्रोबेबली, तो आप यहाँ पे रात में कभी भी आ सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और यहाँ नंबर लिखा है नंबर 5, और नंबर 5 हमारा है। तो अब हम यहाँ पे पेट्रोल का पेमेंट, हाँ पेट्रोल ले लेते हैं, जैसे लेते हैं। देखिए गाइस फिर हम पेट्रोल का पेमेंट करने जा रहे हैं, और हम आ चुके हैं नंबर 5। Yeah, no, we are just okay. Vlogging, yeah. Okay, I just asked because yeah. लिया भाई दो एनर्जी ड्रिंक, गाड़ी में तेल डला गई, और अंदर उसने बोला कि व्लॉगिंग करना अलाउड नहीं है, नो कैमरा अलाउड, पर हमने कर लिया भाई। तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा गैस भरने का, तो बताना है, पेमेंट करने के लिए अंदर जाना पड़ता है, एक प्रॉब्लम ये है, लेकिन एवरीथिंग इज फाइन, अच्छा सिस्टम है ना इंडिया का, अच्छा गाड़ी से निकल के तेल भरो, इंडिया में तो हो जाता है यार गाड़ी में, कोई बात नहीं। भैया जी को बोलो भैया 10 का भर दो, 500 का भर दो, सॉरी 10 का तो कार में नहीं भरता है। देखिए गाइस हमारा ओल्ड नेबरहुड, आज किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो है, मुझे नहीं पता किस पे है। हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द थिंग्स यू शुड नॉट ब्रिंग टू पोलैंड, आप जब इंडिया से आ रहे हो तो पहला चीज होगा भाई विंटर क्लोथ्स, आप इंडिया से मत लाइए, कोई मतलब नहीं आने का इंडिया से, यहाँ पे ऐसी ठंड पड़ती है ना कि वो इंडिया का जो विंटर क्लोथ आप 10-12-20 हज़ार का भी जैकेट लाओगे यूजलेस है भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो जैकेट मिलता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, -5, -10, -20 डिग्रीज में आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा व्यू दिखाओ यार, कितना प्यारा लग रहा है। तो गाइस बेसिकली दिस इज द ओल्ड टाउन ऑफ, मतलब यहाँ पे सारी पुरानी बिल्डिंग दिखेगी आपको, और एक अलग ही वाइब है भाई, ये वाइब इंडिया में देखने को एम्स्टरडम वाइब से, एम्स्टरडम रॉकेट लगा भाई, अरे गाइस रॉकेट इलॉन मस्क, अरे गाइस देखिए खेतों में जल रही है ट्रैम, देख रहे हैं घर कितने अच्छे छोटे छोटे हैं यहाँ पे, इस तरह का गाइस लोग का फार्म हाउस है, जैसे समर में बहुत गर्मी पड़ती है तो लोग आते हैं यहाँ पे ऐसे थोड़ा चिल करने, एंजॉय करने, ऐसा है।
इतने बाहर नहीं आए हम शहर से, लेकिन ऐसा लग रहा है हम शहर से बहुत बाहर आ चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं वे? तो गाइस लोकेशन कुछ ऐसी है, वहाँ पता नहीं कौन सी फैक्ट्री है भाई, चिमनी वगैरह, और यहाँ हमने पीछे गाड़ी पार्क कर दी है। और इधर भाई सामी भाई हैं, बताओ पानी का वो स्रोत कहाँ गया जो क्या है भाई, पानी सामने है भाई, उस तरफ वो देखो। भाई फाइनली हम आ गए अपने लोकेशन पे, तो आपको उस तरफ घर इतने प्यारे लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है नॉर्वे वगैरह में आ गए भाई, मतलब बहुत ही अच्छे घर बनाए उन्होंने उधर। और यही है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा लेक है, वहाँ पे लोशिंग वगैरह कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बैठ के मस्त चिल कर रहे हैं। तो ये लोकेशन है, ऐसे फ्रॉकलो से बहुत बाहर नहीं है, पर ठीक है आप यहाँ पे ऐसे फ्रेंड्स वगैरह के साथ आ सकते हो, पिकनिक वगैरह मनाने में, बारबेक्यू वगैरह करने। पर अब तो ऐसे भी ठंड आ रही है भाई, तो गाइस मतलब ऐसा हो रहा है यहाँ पे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पर मच्छर कुछ ज्यादा ही है भाई। नहीं अभी हमने मारा है सबको, पकड़ छड़ कुछ ज्यादा ही हो गए यहाँ पे, ऐसे मेरे पे आ रहे हैं यार सारे, पता नहीं क्या हो गया। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में बात करते हैं कि आपको इंडिया से क्या लेके नहीं आना है, मतलब क्या लेके आना है, उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो चेकआउट कर लो। हाँ तो गाइस पहला पॉइंट ये रहेगा कि डोंट ब्रिंग योर विंटर क्लोथ फ्रॉम इंडिया। तो विंटर क्लोथ का सीन ये है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सुपर मार्केट हैं या बहुत सारे शोरूम्स के ब्रांड हैं, जहाँ पे आपको काफी अच्छे और रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है भाई विंटर क्लोथ। तो आपको इंडिया से लाने का मतलब नहीं है, बिकॉज अगर आप इंडिया से लाओगे तो इंडिया में ऐसे भाई विंटर क्लोथ अच्छे जैकेट वगैरह मिलते हैं 5-10-15 हज़ार के। अभी आप रिसेंटली आ रहे हो तो यहाँ पे भाई ठंड पड़ने वाली है अच्छे से, 5-6 डिग्री तो होगा ही, कम से कम 0 वगैरह में जाएगा, -5 -10। हाँ तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारा हाइपर मार्केट भी है जहाँ पे आपको अच्छे चीप रीजनेबल प्राइस में भाई मिल जाते हैं जैकेट वगैरह। तो सामी तो यही जैकेट पहनता है अभी तक, मतलब ये वाला नहीं, ये तो इंडिया से लाया, पर मैंने भी लिया था भाई। आपको कितना एक्सपेंसिव लेना है आपके बजट के हिसाब से, पर अच्छे प्राइस में मिल जाता है यहाँ पे। और इंडिया से अगर आप लेके आओगे कोई एक्सपेंसिव जैकेट वगैरह तो भाई वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे विंटर्स काफी हार्श होती है, -15-20। तो आराम से हल्का सा हुडी जैकेट वगैरह पतला सा लेके आ सकते हो, या साइन पहना हुआ है, राइट? हाँ पतला नहीं है ये, मतलब इस तरह का आप जैकेट लेके आ सकते हो, काफी थोड़ा पतला वाला। और फिर आप जो थिक विंटर जैकेट होते हैं आप यहाँ पर आकर परचेस करो, और सेम फॉर द ग्लव्स और ये कैप हैट वगैरह जो भी है, सॉक्स, मतलब वुलन एसेसरीज आप टोटल यहीं से परचेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है भाई, और काफी सस्ते रेट में मिल जाता है। हाँ मुंह पे 3 मच्छर बैठे हैं, लाओ मुंह अपना। अबे क्या ही करो यार, सब मेरे प्यार है, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी बैठा है, कितना मर गया वो, तो सॉरी मर गया वो, हार्ट आ गया। तो गाइस देखो मतलब स्ट्रगल ये भी है गाइस वीडियो बनाने की, आपके लिए मैं इतने अच्छे अच्छे लोकेशन पे आते हैं, मच्छर से भाई अपना खून चूसवाते हैं, सब्सक्राइब कर देना भाई इसी बात पे। तो इफ यू गाइस डोंट नो मी, माय नेम इज उत्कर्ष, मैं भाई पोलैंड में रहता हूँ, आई एम हियर फ्रॉम 4 ईयर्स, और मैं पोलैंड यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आया था, और अभी मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो वो सारे ब्लॉग ग्रेजुएशन वगैरह का भी है, तो यू कैन चेक इट आउट। सो बात करते हैं भाई सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट है ब्लैंकेट्स एंड बेडशीट। तो ब्लैंकेट, बेडशीट्स, पिलो, ये सब आप यहाँ से आकर परचेस कर सकते हो, आपको इंडिया से लाने की जरूरत नहीं है। मतलब जब आप इंडिया से आओगे तो भाई फ्लाइट में एक बैगेज लिमिट होता है, ठीक है, आई थिंक वो 25-30 किलोग्राम होता है, राइट? वो डिपेंड करता है एयरलाइंस पे, अगर आप बहुत एक्सपेंसिव एक्स्ट्रा पैसा पे करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा लगेज। 25-30 किलो में आपको भाई वो ब्लैंकेट्स और बेडशीट वगैरह आप सोचोगे लाने का तो वो काफी मुश्किल हो जाएगी, आपको ज्यादा भाई पैसे पे करने पड़ जाएंगे एयरलाइंस को। तो बेस्ट ये होगा कि आप इंडिया से एक पतले वाले एक ब्लैंकेट लेके जाओ और एक बेडशीट लेके आओ, और पिलो कवर, बेडशीट्स और क्विल्ट, मैट्रेस तो भाई यहाँ मिलता ही है, आपको मैट्रेस की जरूरत नहीं है भाई, मैट्रेस का टेंशन मत लो। मतलब यूएस कनाडा में मुझे पता है आपको खुद से आपको मैट्रेस परचेस करना पड़ता है, पर यहाँ पूरे में ऐसा नहीं है, आप जहाँ भी डॉर्मेट्रीज में जाओगे, आप जहाँ भी अपार्टमेंट रेंट करोगे तो उसमें मैट्रेस आपको मिलेगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। और जो भी बेडशीट्स और जो भी ये सब पिलो कवर, डुएट, कंफर्टर जो भी है, यहाँ पे ओशन है भाई, ओशन में मिलता है, यहाँ पे आइकिया है, एक JYSK करके है, और होमला करके है, मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, और आपको जो भी आपको लेने हैं ब्लैंकेट्स वगैरह सब अच्छे रीजनेबल प्राइस मिल जाएंगे भाई। तो इंडिया से लाने का मतलब नहीं है, हमने ये गलती की थी, मैं इंडिया से आया था तो मैं लेके आया था, पर अब मुझे लगता है कि भाई वो गलती थी। तो बेसिकली यही हो गया थर्ड पॉइंट। अरे यार बहुत बहुत मच्छर है यार। सो गाइस मतलब हालत इतनी बुरी हो गई कि हमें अपना लोकेशन चेंज करना पड़ रहा है, बिकॉज वहाँ बैठा नहीं जा रहा था यार, मतलब इतने मच्छर में लगता है मेरे शरीर के ऊपर उड़ रहे हैं सारे, अभी भी उड़ रहे हैं। हाँ बस कितने भाई, इतने मच्छर है यार। और यहाँ पे भाई वॉलीबॉल का एक कोर्ट भी बना हुआ है, तो लोग खेलते होंगे। मतलब टाइम अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं भाई, तो सारे लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, और एक हम ही है। और यहाँ पे साइन बना हुआ है कि स्विमिंग नॉट अलाउड, तो यहाँ पे स्विम नहीं पाए, डाइव नहीं कर सकते हो, स्विम भी नहीं कर सकते हो भाई। यहाँ तो और मच्छर है यार, देखो अगर तुम इस पे खड़े हो तो तुम्हें 10 लौटेगा। पागल हो गया, खो सकते हो भाई। ओ भाई वो अपने लाइफ का रिस्क ले रहा है वो नदी के अंदर, तो उतने नहीं आ रहे मच्छर यहाँ पे, अभी अपने को देख के आए नहीं है। वो बंदा वहाँ बैठ गया जहाँ बैठे थे
उसको काटेंगे मच्छर में। तो गाइस बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट ये है, आप जब इंडिया से आ रहे हो तो डोंट ब्रिंग पॉट्स एंड पैंस एंड यूटेंसिल्स, राइट। हाँ, क्योंकि मैं वो गलती की थी, मैंने भाई इंडिया से मैं लेके आया था प्लेट वगैरह सब कुछ, वो मम्मी ने दे दिया था भाई। मम्मी बोली भाई ले जाओ यार, कैसे खाओगे वो ग्लास स्पून फोक प्लेट वगैरह बाउल वगैरह। तो आपको इंडिया से लाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भाई हर सुपरमार्केट में या फिर आप आइकिया चले जाओ या फिर JYSK, आप कहीं चले जाओ, आपको काफ़ी अच्छे रेट में, मेरे को लगता है यहाँ पे ना जो क्रॉकरीज हैं वो उसका प्राइस इंडिया से सस्ता है, मतलब इस चीपर देन इंडिया। तो आप यहाँ से ले लो, उसकी टेंशन नहीं है, वो इंडिया से आप भारी भाई स्टील और आयरन जो भी ये सब होता है भाई, स्टील वगैरह लेके मत आओ, कोई मतलब नहीं लाने का, आपका फालतू का वेट बढ़ेगा बैगेज का। हाँ, तो आप प्रेशर कुकर आप इंडिया से लेके आओ, जो हमारे इंडिया में होता है ना प्रेशर कुकर, जिसमें चावल वगैरह बनाते हैं, दाल वगैरह जो भी, क्योंकि वो यहाँ पे मिलता नहीं है जल्दी, और मिलता भी है तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। हाफ लीटर का है, एक लीटर का, हाफ लीटर कम हो गया, मतलब एक लीटर का लेके आ सकते हो। तो गाइस बात करते हैं अब चौथे पॉइंट का। तो फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लैपटॉप्स। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में तो एक चीज़ तो बहुत ही मैंडेटरी है, आप तो लिख लो, आप नोट्स बना रहे होगे भी तो लिख लो, वो जो पावर अडेप्टर आता है ना, जो कन्वर्टर इंटरनेशनल, वो तो आप लेके जाओ, अमेजोन में मिलता है आई थिंक 200-300 रुपए का, बिकॉज यहाँ यूरोप में वो जो पावर सॉकेट होते हैं इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, और यहाँ पे जो वोल्टेज की सप्लाई भी है वो भी डिफरेंट है इंडिया से। तो वो तो आप एक मस्त चीज़ है भाई लेके आओ, बिकॉज अगर वो नहीं लेके आओगे तो आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, सेलफोन चार्जर है, कोई भी चार्जर, वो काम नहीं करने वाला यहाँ पे। तुम क्या घूम रहे हो यार आगे पीछे? तो हाँ, मच्छर लग रहे हैं, पर कोई बात नहीं भाई, आपके वीडियो बनानी है तो आप वो एक लेके आ सकते हो, काफ़ी ऑब्लिगेटरी चीज़ है, आप नोट डाउन कर लो। और बात आई लैपटॉप्स की और सेलफोन्स की, तो लैपटॉप्स सेलफोन्स इट एक्चुअली डिपेंड्स, अगर आपको किसी एक्सपेंसिव ब्रांड का लेना है एप्पल वगैरह का, तो यहाँ पर थोड़ा सस्ता है इंडिया से, ठीक है। और अगर आपको लेनी है भाई नॉर्मल एसूस या HP ये सब की, तो मेरे को लगता है वो इंडिया में बेटर मिल जाता है, राइट, बिकॉज इंडिया में इतना मार्केट है भाई, इतने लोग हैं इंडिया में, और इंडिया में अभी तो चल रहा है ना कौन सा सेल यार, बिग बिलियन डे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, अच्छे डील लगा के आपको इंडिया में वो बेटर मिल जाएगा यहाँ से। तो लैपटॉप्स का आप देख लेना, पर एक चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स का कि अगर आप इंडिया से ला रहे हो और आपकी जो कंपनी है वो इंटरनेशनल वारंटी अगर नहीं देती है, मुश्किल हो सकता है आपको वारंटी क्लेम करना। कोई चीज़ आप यहाँ से लोगे तो भाई यहाँ पे आपको वारंटी मिलेगी। अरे भाई हालत खराब कर दिया, मच्छर हाँ डेंगू को ना हो जाए यार ना। बस एक और पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इन जनरल, मैं बोलूंगा भाई इंडिया में सस्ता मिलता है यहाँ से, बिकॉज इंडिया में इतनी बड़ी मार्केट है, और फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे भाई वो अच्छा डील मिल जाता है सेल वगैरह। यहाँ पे बस एक सेल भाई ब्लैक फ्राइडे का होता है, वो भी कुछ बहुत बड़ा सेल नहीं है US वगैरह की तरह। अगर आपको एप्पल का लेना है भाई मैकबुक वगैरह या फिर आईपैड या आईफोन, तो आप यहाँ से वो चूज कर सकते हो यहाँ से लेना, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सस्ता पड़ेगा इंडिया से। तो अगर सेलफोन की बात करें शाओमी वगैरह ये सब की, भाई वो इंडिया में सस्ता पड़ेगा, मतलब एक ये रहता है अगर आप इंडिया से लाओगे तो जो उसका चार्जर होगा आपके सेलफोन का या फिर लैपटॉप का, तो इंडिया सॉकेट होगा, तो आपको बार बार यूज करना पड़ेगा अडैप्टर। मैं जो अपना मैकबुक लाया था, मैं इंडिया से लाया था भाई, तो उसका अडैप्टर मुझे आज भी यूज करना पड़ता है। टूटी निकल रही है यहाँ पे, पर ना दिख रहा है पानी के अंदर। स्विमिंग के लिए काफी पर सही स्पॉट है ये भाई, स्विमिंग के लिए था मुझे लगता है, और बाद में बैन कर दिया है। हाँ। लगता है कोई डूब गया होगा भाई, उतरने के लिए भी स्विमिंग वालों के लिए। तो गाइस अपना पांचवे और आखिरी पॉइंट पे आते हैं कि टॉयलेटरीज, जो सोप शैम्पू टूथब्रश, मतलब कंफ्यूज रहते हैं भाई कि इंडिया से लाएं या कहां से लाएं, तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए, आप इंडिया से छोटे मोटे नहीं आते हैं जो सबसे छोटा ट्यूब आता है टूथपेस्ट का या शैम्पू का पाउच वगैरह सैशे, वो लेके आ सकते हो और फिर आप यहाँ परचेज कर सकते हो, बिकॉज इंडिया से मुझे लगता है सेम ही रेट है यहाँ पे भी। तो मैंने भी यही करा था, मैं बस एक भाई टूथब्रश लाया था और एक टूथपेस्ट, और मैंने शैम्पू साबुन बॉडी वॉश शावर जेल परफ्यूम डिओडोरेंट सब भी मैंने यहीं से परचेज करा। यहाँ पे तो मतलब हर स्ट्रीट पे एक बड़ा सुपरमार्केट है बिद्रों का या साप का भी मिल जाता है इवन। काफ़ी मच्छर काट दिए हैं चेहरे पे, तो सब्सक्राइब कर देना भाई, इसी बातें बहुत बहुत मुश्किल उठाते हैं आपके लिए। और आखिरी पॉइंट ये होगा कि स्पाइसेस, तो स्पाइसेस काफ़ी सामी से पूछिए, तुम बताओ भाई स्पाइसेस के बारे में। थोड़े थोड़े अमाउंट में लेके आ जाइए, क्योंकि स्टोर के अंदर जो स्पाइसेस के प्राइस है इट्स कंसिडरेबली इक्वल टू इंडिया की प्राइस, तो आपको इतना मुश्किल नहीं आएगी। स्पाइसेस बिस्किट नमकीन जो भी होता है, इवन हॉर्लिक्स बॉर्नविटा जो भी चाहिए होता है, सब आपको इंडियन स्टोर में मिल जाता है, प्राइस में मिल जाएगा। हाँ, तो आपको स्पाइसेस वगैरह मिल जाएंगे भाई, मतलब यही है कि जो स्पाइसेस वगैरह हैं आप वो हल्का हल्का लेके आ सकते हो, थोड़ा थोड़ा सारे स्पाइसेस फॉर द इनिशियल डेज। फिर तो यहाँ पे भाई इंडियन स्टोर, आप पोलैंड की किसी भी सिटी में आओगे इंडियन स्टोर हर जगह, या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे 500 ग्राम 1 किलो हल्दी लेके आनी है, या फिर जो भी गर्म मसाला या जो भी किचन किंग स्पाइसेस वगैरह, वो आपके ऊपर है, पर ऐसे लाने का मतलब नहीं बनता है, आप यहाँ से भी परचेस कर सकते हो। रेड स्पाइस लानी है तो इंडिया से लेके आइए, चिली 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 रेड चिली। हाँ, क्योंकि यहाँ की भाई जो यहाँ की चिली होती है वो उतनी स्पाइसी नहीं होती है जैसे हमारा यहाँ की चिली, या तो एक्सट्रीम स्पाइसी होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी, और उसको टेस्ट नहीं आता है। अच्छा, नहीं आएगा। तो यही है, कश्मीरी लाल लाइए। हाँ, आप वो कश्मीरी मिर्च MDH MDH मसाले आप इंडिया, हाँ एक चिली तो लेके आना इंडिया से। हल्दी मिल जाती है, टर्मरिक मिल जाता है,
और जो भी चाहिए होता है काली मिर्च सब मिलता है नॉर्मल। और जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट सामान आपके लिए लाइक मेडिसिन वगैरह ये सब है वो सब आप लेके आ सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मेडिसिन काफी डिफरेंट है इंडिया से। अगर आप इंडिया से मेडिसिन लेके आ रहे हो, अच्छा हाँ भी तो क्या ब्लॉगिंग करते करते, हाँ अगर आप इंडिया से मेडिसिन वगैरह लेके आ रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसका प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का अपने साथ रखिए, बिकॉज कस्टम वगैरह में वो पकड़ सकते हैं भाई। अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी तो आपके सामने फेंक देंगे कस्टम में। मोस्टली इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं दो तीन बार आया हूं। सिक्योरिटी चेक हाँ, पर आप एक सेफ साइड में रहने के लिए अगर आपको ऐसा ड्रग है जो लिक्विड के अंदर है कुछ भी तो आप लेके आइए। पैरासिटामोल ये सब लाओगे तो क्या टेंशन। हाँ तो आप वो उसका एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से भाई बनवा के लाना, इंडिया में तो कहीं बन जाता है प्रिस्क्रिप्शन, तो लेके आइए और फिर बस एंजॉय करिए। तो गाइस मुझे लगता है इस वीडियो के लिए इतना ही था भाई, हम वापस जा रहे हैं, काफी अंधेरा भी हो रहा है और फिर मच्छर भी काट रहे हैं भाई। अगर आपको वीडियो देखनी है कि व्हाट आर द थिंग्स यू शुड पैक फॉर पोलैंड, तो मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं आई थिंक लास्ट ईयर, तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो चेकआउट कर लेना और क्या क्या लेके आना है वो लेके आ सकते हो। दैट्स प्रीटी मच फॉर द वीडियो। आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी या थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, काफी मतलब मच्छर कटवा लिया आपके लिए, तो बहुत काट दिया ना, बहुत काट दिया आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं गाइस, पर काट दिया भाई, बहुत काट दिया मतलब काफी मच्छर काट दिए भाई, पर कोई नहीं यार। आप लोग एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और फिर मिलते हैं पोलैंड में। अगर आप रॉकलो आ रहे हो तो भाई जस्ट डीएम मी और फिर कमेंट वगैरह करो, तो वी कैन प्लान टू मीट। रियली होप कि आपको पसंद आएगी व्लॉग और थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो सब्सक्राइब करना भाई, और मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन फ्रॉम पोलैंड पीस, और मिलते हैं भाई। मछली तो होगी भाई, पानी है तो मछली भी होगी, पानी होने के लिए और मछली होने के लिए डिफरेंट। वैसे यहाँ बंदा एक मछली पकड़ रहा है, सही है। और ये देखो, देखिए क्या ये मच्छर, देखो ये कितने बड़े बड़े हैं। और तो ही है, तो गाइस ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास चेकअप कराने, बिकॉज बहुत मच्छर काट दिए भाई। गाइस उसके लिए पैसा चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए पैसा। हाँ, और डेंगू मलेरिया अगर हो गया होगा तो गाइस वो आपके ऊपर है, आप लोग प्लीज। गाइस बोलने आप कितना प्यारा इन्होंने बनाया एक फुटबॉल ग्राउंड, और यहाँ पे एक ऐसा ट्रैक भी है फॉर रनिंग। अच्छा उस तरफ खेल रहे हैं लोग, नेट में खेल रहे हैं भाई, नेट में।